क्या तुम उस औरत को पटाना चाहते हो या क्या तुम उस औरत के साथ हो जो तुमसे बहुत छोटी या बहुत बड़ी है और तुम्हें नहीं पता ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हो और तुम इस बात से डर रहे हो कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, तो आज की वीडियो को पूरा देखो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार का चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना, अभी सब्सक्राइब करो, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। औरत तुमसे छोटी हो या बड़ी, दोनों ही मामले में आसपास के लोग प्रॉब्लम होते हैं। वो औरत से तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, औरत लोगों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और अपने टेंशन का पूरा बोझ तुम पर डाल देती है। देखो, मुझे कोई शक नहीं कि तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लिए सबसे अच्छे बंदे हो और तुम तुम्हारे रिलेशन को अच्छे से चलाने के लिए कोई भी कदम उठाओगे, लेकिन प्रॉब्लम और चैलेंज ये है, क्या वो लड़की तुम्हारे बारे में वही सोच रखती है? क्या वो भी अपने रिलेशन को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है जो तुम करते हो? एज गैप रिलेशनशिप में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जिनको तुम आपस में बैठकर सुलझा सकते हो। सबसे पहले तो देखो कि ये तीन मुश्किलों का सामना वो कर सकती है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले क्या आप वीडियो को लाइक कर दोगे? अभी लाइक दीजिए। ओके, थैंक्स। सबसे पहली रुकावट है सामाजिक असिक्योरिटी। एक औरत के लिए एज उतना मैटर नहीं करता जितना उसके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा मायने रखती है। वो जानती है कि तुम उससे बड़े हो या बहुत छोटे, और वो जिस समाज में रहती है यहाँ तुम्हारे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा, तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम दोनों में दुश्मनी भी हो जाए तो तुम समाज में उसकी इज्जत करोगे, उसका साथ दोगे, तो वो बिना किसी डर से तुम्हारे साथ बिस्तर तक आ जाएगी। दूसरी चीज है उम्मीदों का ना मिलना। जब एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो औरत के सामने कुछ सवाल होते हैं, जैसे तुम शादी कब करोगे, बच्चे कितने चाहिए, तुम पैसा कमाने के लिए क्या करते हो, हम कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे, तुम रिलेशन को लेकर सीरियस हो या नहीं। अगर इन मामले में तुम दोनों के सोच में जरा सा भी अंतर रहा तो वो तुम्हें छोड़ देगी। तीसरी चीज है दूसरा ऑप्शन। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, वो किसी दूसरे मर्द की ओर आकर्षित हो सकती है जो उसके एज का हो, क्योंकि इस मामले में समाज का दबाव नहीं होगा, दोनों की सोच भी मिलती होगी, तो तुम्हें उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बनना होगा। ध्यान रखना, उसे तुमसे प्यार होना चाहिए, देख लो कहीं वो तुम्हें ऑप्शन बनाकर ना रख दे। अब इन सारी चीज़ों में औरत का दिल कैसे जीतना है वो देखते हैं। देखो, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो तुमसे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेते हैं। औरत अगर तुमसे उम्र में छोटी हो तो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है उसके हम उम्र के लड़के, और औरत अगर तुमसे बड़ी हो तो इस बात का ध्यान रखो, सबसे पहला समाज तुम्हारे रिश्ते को इजाज़त नहीं देगा, तुम दोनों की उम्मीदें अलग हैं। अगर तुम उसके लिए सबसे अच्छे लड़के नहीं हो तो वो किसी हम उम्र के मर्द के लिए तुम्हें छोड़ देगी। प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो खुद से छोटे उम्र के लड़कों से कंपेयर मत करो और अपनी खासियतों को समझो। छोटी उम्र की लड़की को पटाने के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है कि तुम उससे बड़े हो, समझदार हो, सुलझे हुए हो, तुमने दुनियादारी देखी है तो उसका ख्याल रख सकते हो। तुम्हें यहाँ रॉकस्टार एटीट्यूड का इस्तेमाल करना है। छोटी उम्र की लड़कियों को तुम्हारा ताकत दिखाना है, वो तुम्हारा रुतबा देखना चाहती है, वो तुम्हें एक छत की तरह देखती है, मतलब जहाँ तुम हो वहाँ वो सेफ फील कर सके। तुम उसे चिढ़ाओ, खिंचाओ, उसे डांटो, उसे मनाओ, उसे पूछो मत, उसका डिसीजन का इंतजार मत करो। जब तुम पूछते हो, इजाज़त मांगते हो, तो तुम उसके सामने बच्चे नजर आते हो, उस पर हक जताओ। और सबसे बड़ी खासियत है तुम्हारा शरीर, तुम लड़की के सामने मर्द लगते हो। छोटी उम्र की लड़कियों को यही तो चाहिए होता है कि उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई मिले जो उसे हर कदम पर सुरक्षित रख सके, और वो गठीले शरीर वाले मर्द की ओर आकर्षित होती है। अब तुमसे बड़ी उम्र की औरत के बारे में देखते हैं। बड़ी उम्र की औरत को पटाना ज़्यादा आसान होता है। बड़ी उम्र की औरत को बिस्तर तक लाना है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, बड़ी उम्र की औरत को उसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। वो अपने दुख दर्द किसी को बताना चाहती है, वो अपने किस्से कहानियों को सुनाना चाहती है, अपने खाली वक्त को काटने के लिए उसे किसी के साथ की तलाश होती है। सबसे पहले तो उसे इस बात का दुख होता है कि उसके पहले का रिलेशन अच्छा नहीं रहा, उसे धोखा मिला, इसी वजह से वो नहीं चाहेगी कि उसका रिश्ता तुम्हारे साथ भी खराब हो। वो तुमसे ज़्यादा इस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करेगी। वो जानती है उसने पुराने रिश्ते में बहुत दुख दर्द सहे है और बहुत सी रातें उसने अकेले बोर होकर बिताई है। अब तुम समझ पा रहे होंगे बड़ी उम्र की औरत को क्या चाहिए। उसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन दो। औरत अगर इमोशनली तुमसे सेटिस्फाइड हुई तो कभी भी तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम अगर उसे इमोशनली सपोर्ट करते हो तो वो समाज की परवाह किए बिना, अपनी खुशी की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ कभी भी हम बिस्तर होगी।
औरत को इमोशनली सेटिस्फाइड कैसे करना है वो देखते हैं। तुम्हें उसकी सारी बातें ध्यान से सुननी होगी, उसके दुख की बातें, उसकी खुशी की बातें, उसकी हंसी, उसके पुराने प्रेमी की बातें, वो क्या चाहती है, उसे किस बात से नफरत है, सारी बातें तुम्हें जाननी होगी। ऐसा तुम्हें रोज नहीं करना होगा, एक दो हफ्ते में वो अपनी सारी बातें तुम्हें बता चुकी होगी। जब तुम उसकी सारी बातें ध्यान से सुनोगे तो उसे तुमसे बात करने की आदत हो जाएगी। जब तुम उसके बारे में सब कुछ जान लो, अब तुम्हें उसके इमोशनल को कंट्रोल करना होगा। उससे खुशी की बात करके उसे खुश करो, दुख की बातों से उसे दुखी करो। जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी मर्जी से उसे खुश या दुखी कर सकते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा खुश करके या बहुत दुखी करके बिस्तर तक ले जा सकते हो। उसके भावनाओं को रोलर कोस्टर पर सवार कर दो। औरत को भावनाओं की उठा पटक बहुत पसंद होती है, एक पल में खुश हो जाना, एक पल में दुखी हो जाना उसके दिमाग को गुदगुदाता हुआ एहसास देगा। बहुत सारे मर्द औरत को हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी उसे दुखी करने के बारे में नहीं सोचते। औरत इमोशन से बनी होती है, वो अपने दुख के इमोशन को बाहर निकालने के लिए तड़पती रहती है, इसी वजह से वो बहुत बार तुमसे बेवजह नाराज होकर अपने इस नशे को पूरा करती है। वो ऐसे मर्दों से जल्दी बोर हो जाती है जो उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देता है। अब तुम जब उसे खुशी के साथ साथ थोड़ा दुख भी दोगे, उसे हमेशा हाँ कहने के बजाय थोड़ा ना भी कहोगे, तो वो पागलों की तरह तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, क्योंकि उसे वो मिल जाएगा जिसकी उसे सदियों से ज़रूरत है। मैं इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा कि औरत के दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि प्राइवेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।